सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर, और सीख सकते हैं कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है। तो गाइस, यहां पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी पहले, तो यहां पर जो एप्लीकेशन मैंने यूज़ की थी वो गूगल प्ले स्टोर से हट चुकी है। तो यहां पर मैं एक नए एप्लीकेशन के साथ आया हूं और वो गूगल प्ले पर अवेलेबल है, फ्री है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी आपको एरर आएगी नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। तो फुल वीडियो आपको देखनी है तो आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आपको डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है क्रोम ब्राउज़र, तो इसे आप जो है वो अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आईकोड गो एडिटर, उसके बाद आईकोड गो सर्वर, उसके बाद जेड आर्चीवर, ये चारों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। और एक फाइल आपको डाउनलोड करनी है जो कि वर्डप्रेस की जिप फाइल होगी, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख सकते हैं ये वाली, तो ये भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये पाँचों चीज़ों आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आई कोड एडिटर को आपको यहाँ पर ओपन करना है, अलाउ करना है, और थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ पैकेजेस को ये इंस्टॉल करता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये पूरा ओपन नहीं हो जाता ठीक से, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो ये फर्स्ट आपको यहाँ पर गाइड देगा, तो यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पर कैंसिल बटन पे हम क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आना है आपको थ्री डॉट पे, यहाँ से आपको यहाँ सर्वर आइकन पर क्लिक करना है इससे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोई सर्वर यहाँ पर अपाचे MySQL कुछ इंस्टॉल नहीं है, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको iCode सर्वर एप्लीकेशन को ओपन करना है, देख सकते हैं ये वाली। तो इसे हम ओपन करते हैं, जैसे अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल बटन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे ये कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करेगा और सर्वर सेटअप यहाँ पर आपका कर देगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, तो उसे डन करते हैं, ओके करते हैं, और आपको जाना है वापस आईकोड गो एडिटर को ओपन करना है, ये आपका मेन एप्लीकेशन है गाइस, ठीक है। तो इसे हम ओपन करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम जाते हैं वापस सर्वर में। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्वर की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। तो MySQL डेटाबेस वगैरह, PHP वगैरह, अपाचे वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आ चुकी है, तो कैसे यूज़ करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है वर्डप्रेस को फोल्डर को मूव करना, कॉपी करना इस रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। तो जेड आर्चीवर को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, सिर्फ फॉलो करते जाइए, आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपना जहाँ पर भी वर्डप्रेस की मैंने फाइल डाउनलोड की थी, उसे यहाँ पर क्लिक करना है और व्यू बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर वर्डप्रेस फोल्डर में जाना है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो इसे आपको मल्टी सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है, और स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, कॉपी कीजिए। मेन इंटरनल स्टोरेज में आते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर आईकोड गो नाम का जो है एक फोल्डर आपको मिलेगा, उसके अंदर जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको डेटा फाइल्स नाम का फोल्डर मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद www नाम के फोल्डर को क्लिक करना है, और यहाँ पर एक फाइल आपको मिलेगी index.php की, तो हम सीधा यहाँ पर जो है अपने फोल्डर को यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। नीचे आपको पेस्ट बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है और रिप्लेस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और सभी फाइल्स को जो है यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए टिक करते हैं और रिप्लेस पे हम क्लिक कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके सभी फाइल्स को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा वेट करते हैं।
डन गाइस, वर्डप्रेस की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हमारा जो है यहाँ पर जो है काम जो हो चुका है। अब हमें अपना आईकोड को एडिटर को ओपन करना है और सबसे पहला जो काम करना है वो है सर्वर को ऑन करना। यहाँ से हम सर्वर को ऑन कर देते हैं, यानी कि स्टार्ट कर देते हैं। ओके, स्टार्ट होने के बाद गाइस आपका जो नेक्स्ट काम है वो है डेटाबेस क्रिएट करना, क्योंकि विदाउट डेटाबेस वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट में हैं, तो यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ SQL बड़ी पे, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ब्राउज़र के लिए पूछेगा, तो आप क्रोम यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो लॉगिन पेज आ जाएगा। तो याद रखिए आपका जो यूज़र नेम है वो स्मॉल में रूट है और पासवर्ड आपका ब्लैंक है। पासवर्ड में कुछ नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको सबमिट करना है। ठीक है, आप आ चुके हैं, लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट न्यू डेटाबेस का ऑप्शन, तो आपको वहाँ से क्रिएट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम देना है जो आप रखना चाहते हो और इसे याद रखना है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल में MT लिख देता हूँ महेश टेक्निकल्स का, और सबमिट कर देता हूँ। तो MT नाम का यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हैं क्रिएट हो गया। आप कोई भी नाम का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको डेटाबेस का नाम याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो है डेटाबेस भी हमने क्रिएट कर लिया, वर्डप्रेस के सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमारा काम है इंस्टॉल करना वर्डप्रेस को, ठीक है, उसकी सेटअप करना। तो उसे सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, वर्डप्रेस को ओपन करना है अपने ब्राउज़र में। तो कैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ब्राउज़र सेलेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉलेशन पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये कैसे आया, आप चाहे तो ब्राउज़र में लिख सकते हैं लोकल होस्ट कोलन 8080, ठीक है, 8080 8080, लोकल होस्ट कोलन 8080, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, ऐसे भी आप आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है, डेटाबेस का नाम आपको प्रॉपर लिखना है MT जो आपने बनाया होगा नाम। यूज़र नेम में आपको देखिए यूज़र नेम लिखा है, तो इसे आपको स्मॉल में रूट लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको दिखेगा, तो पासवर्ड को आप ब्लैंक रखिए, क्योंकि हमारा पासवर्ड ब्लैंक था MySQL डेटाबेस का। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें देख लीजिए आप ठीक से, ऐसे आपको करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए आपका डेटाबेस जो है प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है अपने वर्डप्रेस के साथ। तो नेक्स्ट करते हैं, हम आगे जाते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस की जो बैकएंड की ईमेल आईडी और जो पासवर्ड होते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, आपको क्रिएट करना है इन सेंस। तो हम यहाँ पर देखिए एडमिन को एडमिन ही रहने देंगे, और यहाँ पर पासवर्ड ऑलरेडी जनरेटेड है, तो इसे मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पासवर्ड हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ईमेल लगाना है, तो ईमेल के लिए मैं यहाँ पर टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर लेता हूँ कोई भी, तो आप अपना भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैं ईमेल यहाँ पर ईमेल के सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेम टाइटल जो है वो यहाँ पर मैं महेश टेक्निकल्स लिख देता हूँ। ठीक है, साइट टाइटल आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, डन गाइस, आपका यहाँ पर सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन डिटेल्स डालने को बोल रहा है, तो एडमिन का रहने देता हूँ, और मेरा जो पासवर्ड है उसे मैं कॉपी करता हूँ और पासवर्ड सेक्शन में जाके पेस्ट कर देता हूँ, तो उससे मेरा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप अपना पासवर्ड भी बना सकते हैं, जो आप पासवर्ड बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसे सेव करता हूँ, और आप आ चुके हैं वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में, बैकएंड डैशबोर्ड में। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस की सारी फंक्शनलिटी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको थीम्स भी दिखा देता हूँ मैं अपीयरेंस में जाके, तो यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड गाइस 3 थीम्स आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं, आप ये तीनों को यूज़ कर सकते हैं, और आउटसाइड से भी थीम्स आप बाय कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो। ठीक है,
और फ्री में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से अभी दिख रही है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आप देखिए लोकल होस्ट :8080 ऐसे लिख के भी आप अपनी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और अगर आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना हो तो यहाँ पर देखिए यही लिंक है localhost:8080/wp-admin। तो ये लिखेंगे तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। देख सकते हैं आप आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई दे रहा होगा PHP वर्जन का, तो ये क्यों आ रहा है और इसे फिक्स कैसे करना है। तो गाइज हमारा जो PHP वर्जन है वो कम है, तो उसे आपको अपग्रेड करना होगा, तब ये एरर जो है वो चला जाएगा। तो चलिए इसे भी हम फिक्स कर लेते हैं अभी। तो इसके लिए आपको जाना है iCode Go एडिटर में, सिंपल। तो यहाँ पर हम जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपल कट करता हूँ और यहाँ पर जाके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्टॉप करना है सर्वर को, ओके। स्टॉप हो गया, उसके बाद नीचे करना है PHP वर्जन आपको देखने को मिलेगा जो कि 5.3 है, तो इसे चेंज करते हैं हम और 7.3.3 पे हम सिलेक्ट करके अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका PHP वर्जन भी अपग्रेड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सर्वर को जो है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा था PHP वर्जन का, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं हो गया ऑन हमारा। अब यहाँ पर हम इसे जो है वो रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए एरर जो है वो हट जाएगा, देखिए चला गया। तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो अब आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, इस पर आप अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो और यहाँ पर आप सीख सकते हो कि कैसे वर्डप्रेस काम करता है। अगर आप अच्छे से वेबसाइट यहाँ पर बना लेते हो तो आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपीयरेंस में और थीम्स में, तो यहाँ पर थीम चेंज करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले देखिए हमारा लुक कुछ इस प्रकार का है, तो इसे अगर मैं वर्डप्रेस थीम को यहाँ पर चेंज कर दूँ, ये वाले मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी जब वो अपडेट वगैरह कुछ करते हैं तो एरर आ जाता है। तो देख लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ थीम चेंज हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए थीम प्रॉपर चेंज हो चुकी है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, अच्छी सी वेबसाइट बनाइए। अगर अच्छी वेबसाइट बनाना आप सीख गए हो तो आप उसे ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो और उससे मनी अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट से आप मनी भी अर्न कर सकते हो अगर आप अच्छे से वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। चारों फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है महेश टेक्निकल। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।